आपके लिए मैंने कल बनाए थे, सो मच कोकोडे में बनाया था, सो क्यूट। अरे ये पेडिलेंथस है, इसमें ग्रीन पत्तियां पूरी भरी होती हैं पूरे साल, और स्प्रिंग में पता नहीं कहाँ से इसमें फ्लावर्स आ जाते हैं। ये इसमें क्या करते हैं, मच्छर जो रहते हैं ना, अच्छा इसको ट्रैप कर लेते हैं, मच्छरों को दूर भगाता है। ओके, इसके अंदर जो सैप होता है ये अपने चारों तरफ और बना लेता है। ओके ओके, इसलिए इसको लहसुनिया बेल या गार्लिक वाइन बोलते हैं। और ये भी मेडिसिनल है, जो भी गार्लिक के बेनिफिट्स है ना वो इसके पत्तों में भी मिलते हैं। ये ऑल स्पाइस प्लांट है। हाँ, इसकी पत्तियों को आप सब्जियों में यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें हल्दी लगाई है, तो अब मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो इसमें से 5 किलो हल्दी तो आराम से निकलेगी। डायबिटीज से लेके बीपी से लेके थायराइड्स हर चीज में इसका, नाम क्या है इसका? ड्रमस्टिक बोलते हैं जैसे कॉमन लैंग्वेज में, मोरिंगा भी बोलते हैं। ये मेरे कागजी नींबू है। ये क्या नींबू? कागजी नींबू, नींबू तो आ रहे हैं। पोई का साग है ना, इसको बोलते हैं मालाबार स्पिनेच। आप देखो, ये खून बनाने की फैक्ट्री है, इतना ज्यादा इसमें आयरन होता है। और इसके जो बीज बन रहे हैं ना, हाँ बंगाली लोग तो इसको बहुत खाते हैं। टॉनिक है ये मेरे पौधों के लिए। ये गिलोई के स्टेम है, वो भी मैंने काट के इसमें डाल रखे हैं। कर्ल लीफ की प्रॉब्लम होती है ना प्लांट्स में, उसको बचाता है ये। ओके, तो इसको पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कर दीजिए, कर्ल लीफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अरे किरण कैसी हो? अरे वाह, बढ़िया आपको देख के तो मैं और अच्छी हो गई हूँ। अरे इतने दिनों से मिलना चाह रही थी। यस, एक बार आपसे मैं गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस में मिली थी, अगर आपको याद हो, फर्स्ट टाइम। बिल्कुल, और मैंने देखते ही पहचान लिया था क्योंकि मैं आपकी वीडियोस देखा। आपने दूर से कहा था जन्नत जन्नत जन्नत, राइट? आपका जन्नत इतना फेमस हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारी ये प्लांट लवर फ्रेंड है ये, तो क्या रहता है, डॉक्टर्स के दोस्त डॉक्टर होते हैं, लॉयर के लॉयर होते हैं। तो अब क्योंकि हम प्लांट लवर बन चुके हैं, है हम तो ये हमारे प्लांट लवर फ्रेंड हैं। तो अभी तक मेरे पास 12 प्लांट लवर फ्रेंड्स हैं, मेरे 2 मेल हैं और बाकी सारी फीमेल हैं। और अब हमने ये सोचा कि सब मुझे बोलते थे कि आप अपना गार्डन तो दिखाते हो, हमारा गार्डन भी दिखाइए ज़रा। तो हमें लगा कि सबकी रिक्वायरमेंट होती है, किसी के पास छोटी जगह है, किसी के पास बड़ी जगह है, तो हम अब सभी के गार्डन आपको लेकर चलेंगे। इस तरह से हमारी मुलाकात हो जाएगी, एक्सचेंज करेंगे किसके पास कौन से प्लांट्स हैं और किसको कितनी नॉलेज है। सबकी नॉलेज अपनी अपनी होती है, तो वो हम एक्सचेंज करने के लिए, ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी लगे कि किस तरह का गार्डन आपको बनाना है। तो ये हमारी आने वाली काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी। तो ये हमारी किरण जी है, तो ये आपके लिए मैंने कल बनाए थे, कोकोडे में बनाया था, सो क्यूट। ये देखो, ये छोटा वाला क्यों सिंगोनिया? अरे एक हम छोटा सा दिल लेकर आए हैं आपके लिए। ये तो मैंने बोला भी था, मुझे आपका दिल पसंद है, तो आप दिल ले आए। तो वैसे भी आप ही का है। हाँ। तो अब हम आपको दिखाना चाहते हैं, तो किरण अब हमें दिखाएगी कि क्या क्या है इसके गार्डन में, कैसे मेंटेन करती हैं। शी इज वेरी एक्सपर्ट, अपने बारे में बताएगी किरण। हाँ, मैं अपने आप को बहुत एक्सपर्ट नहीं मानती हूँ, मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, है ना, क्योंकि कोई भी लर्निंग मुझे लगता है कि पूरी नहीं होती, पूरी जिंदगी आप सीखते ही रहते हो कुछ ना कुछ। तो मैं बॉटनी की स्टूडेंट रही हूँ, तो प्लांट्स का शौक था पहले से, और जब जैसे टाइम मिला वैसे करते रहे। बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, मतलब मैं 25 साल से वैसे गार्डनिंग कर रही हूँ, मेरे छत पे प्लांट्स होते थे। अच्छा। लेकिन थोड़ा ऑर्गेनाइज करना बाद में सीख गई, आप लोगों का चैनल देख देख के आपका चैनल देख के मैंने वो टोपियारीज वगैरह, देखो मेरे जेड वगैरह देखो, तो ये सब मैडम की उससे इंस्पायर हुई हूँ। इनके पास पूरा जेड का एक पूरी छत पे आपके कलेक्शन है ना तो आपका वो जन्नत और वो सारी चीजें, तो एक दूसरे से इंस्पायर होते रहते हैं। अब मैं भी आपके यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर ही जाने वाली हूँ। आप तो बहुत एक्सपर्ट हो, खैर आने का पर्पस यही होता है कि हम भी यहाँ से सीखें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये देखिए, एक दूसरे से लगा रखा है, और ये कौन सा पौधा है? ये सदाबहार की है, व्हाइट वाली। कलर्स बहुत सारे होते हैं, एक मेरे पास हाइब्रिड वैरायटी है उधर है, हालांकि मेरे हाथ से कटिंग, हाँ देखिए वो भी चल रही है, सारी चल रही है, और जेड भी आपके काफी। हाँ, ये भी कटिंग से ही सारे लगे हुए हैं। एक छोटा सा टुकड़ा कहीं से लाई थी मैं, ऐसे तोड़ के पार्क वगैरह में से, चुरा के कह सकते हैं ये खरीदा हुआ नहीं है, उसके बाद ये इतना जंगल बना। अरे ये पेडिलेंथस है, इसमें ग्रीन पत्तियां पूरी भरी होती हैं पूरे साल, और स्प्रिंग में पता नहीं कहाँ से इसमें फ्लावर्स आ जाते हैं। और ये पेडिलेंथस वो डेविल्स बैकबोन जिसको कहते हैं, ये वाली वैरायटी, ये वेरीगेटेड वैरायटी है, ये डार्क ग्रीन है, ये वेरीगेटेड है, पर मेरे ऐसे फ्लावर नहीं आए कभी भी। ये देखो ना, इसमें ये डार्क ग्रीन वाली वैरायटी है।
फिर आप इसमें मुझे ये वाला प्लांट। हाँ, हाँ, बिल्कुल इसका प्लांट हम भी है। एक चीज बताना चाहते हैं, हमारा जाने का पर्पस एक और भी होता है, हम प्लांट हम पहले पूछते हैं आपको कौन सा प्लांट चाहिए और हमें कौन सा चाहिए, जो गार्डन का सबसे खूबसूरत प्लांट होता है हम लेके चले जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ आपका ही है मैम। इसका मैंने कटिंग लगा दी है मेरे पास, मैं वो दे दूंगी, मुझे दे दीजिएगा। नहीं अभी दे दूंगी मैं आपको, वो लगा हुआ है। और ये वो ये मरुआ बोलते हैं ना जिसको, इटालियन बेसिल, हाँ राम तुलसी भी बोलते हैं, हिमाचल में इसकी बहुत खाते हैं चटनी, और पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मॉर्निंग ग्लोरी है, सुबह के टाइम में इसमें फूल ही फूल होते हैं, पिंक कलर के भरे होते हैं। ये छोटा वाला हमारा नहीं है तो ये इसके बीज दे दूंगी मैं आपको, बहुत आराम से लग जाता है। ये व्हाइट वाला हिबिस्कस, ये छोटा वाला मिनिएचर वाला जो हिबिस्कस होता है, ये बोगनवेलिया भी पूला फूलों से भरा हुआ था, ये डबल शेड वाला है, इसमें पिंक और व्हाइट दोनों फूल आते हैं। वेरी गुड। ये है तुलसी है, ये हमारा पेंसिल कैक्टस है, ये काफी घना और अच्छा हो रहा है इस टाइम पर, बहुत अच्छा बना है। आपने कितने टाइम पहले लगाया था आपने? ये ज्यादा पुराना नहीं है, एक साल भी नहीं हुआ है इसको, और इसके तो ये कटिंग भी यहाँ बस से लग जाती एक है, टुकड़ा हाँ। कहीं भी काटो और गाड़ दो, इतनी आसानी से लग जाता है ये। और इसके फायदे भी बहुत है, ये इसमें क्या करते हैं, मच्छर जो रहते हैं ना, अच्छा इसको ट्रैप कर लेते हैं, मच्छरों को दूर भगाता है। ओके, इसके अंदर जो सैप होता है ये अपने चारों तरफ और बना देता है। ओके ओके, दिस इज वेरी गुड। तो अच्छा है हमारे प्लांट्स के भी, और भी हमें भी मच्छर नहीं लगेंगे गार्डन में, ये तो मुझे पता नहीं था, बट अच्छा प्लांट भी बहुत अच्छे हैं। इसका कोकोडामा बना सकते हो, और ये देखिए ये मटकियां खाने के साथ आती हैं, इनको भी फेंकते नहीं है, इसे भी लगा लेते हैं। और ये मेरा बेलिस का प्लांट है, ये रानी कलर के ये फूल आते हैं इसमें, जो चार फोर ओ क्लॉक बोलते हैं शाम को उच्च खिलते हैं, इसके बहुत खिले हुए हैं मेरे गार्डन में, जगह जगह बीज बिखर गए हैं। ये गार्लिक वाइन है, ये गार्लिक वाइन है, इसमें पर्पल कलर के लेवेंडर कलर के फ्लावर्स आते हैं, अच्छा। नवंबर में फ्लावर्स आते हैं, पूरा फ्लावर से भर जाता है। इसकी स्मेल लेंगे ना, पत्ती को सूंघेंगे तो लहसुन जैसी स्मेल आती है, इसलिए इसको लहसुनिया बेल या गार्लिक वाइन बोलते अच्छा। हैं। और ये भी मेडिसिनल है, जो भी गार्लिक के बेनिफिट्स है ना वो इसके पत्तों में भी मिलते हैं हमें, जस्ट लाइक अजवाइन। आपने अजवाइन का प्लांट, इसकी भी कटिंग लगेगी शायद, अभी तो मैं प्लांट ही लाई थी, हाँ बरसातों में लगा दूंगी, पक्का पक्का। और ये तो अपराजिता, और ये देखा आपने डबल डबल पेटल वाली अपराजिता है मेरी, वेरी गुड। ये देखिए डबल पेटल वाली अपराजिता, वेरी गुड। ये पूरी पूरी बेल ये डबल पेटल है, ये सिंगल पेटल एक निकल आई है, ये बेल आप इसी के साथ ही लगाने वाले हैं? हाँ, कहीं भी ऐसे बढ़ जाएगी इसके साथ में, ये बहुत अच्छा पौधा लगता है। हाँ, इसका डार्क कलर की जो वैरायटी आती है वो मैं ढूंढ रही हूँ, अगर वो कहीं पे प्लांट मिलेगा तो उठाओ ना। आपका वीडियो देखा था मैंने कल का, देखिए। और ये बताइए क्या है ये भी पता भाई, मैं ये सुख शांति का प्लांट आजकल इतना कॉमनली लोग यूज कर रहे हैं, और इसकी पत्ते देख फूल देखिए कितने सुंदर आए हुए हैं, इसको जस्टिसिया का प्लांट बोलते हैं। तो ये प्रोपगेट कैसे होगा? ये भी कटिंग से शायद लग जाएगा, तो लगा दो मेरे लिए कटिंग। हाँ, मुझे इसकी कटिंग एक दे देना छोटी सी, ठीक है? मैं खुद लगा, ये लग जाएगा। हाँ, तुम कहोगी प्लांट दे दे, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं आराम से देती हूँ, मैं हैप्पीली एक्सचेंज करती हूँ। इसी की कटिंग वो लगाई थी मैंने जो दिखाई थी आपको, ये ऑरेंज कलर का गुलाब है, अभी खिल के खत्म हुआ है, अब फिर से आएंगे इसमें कलियाँ बनता रहता है। ये चमेली है, येलो वाली, येलो जैस्मिन, ये तो बहुत पुराना हो गया, बहुत सूख गया पौधा। ये एक महीना बस फरवरी से मार्च में देता है बस फ्लारिंग, अच्छा, उसके बाद फिर ये पत्ते आते रहते हैं इसमें। हाँ, ये बीज भी बन गए हैं इसमें, बट वैसे भी इतना अच्छा बीज दिखा। हाँ, बीज तो पता नहीं मुझे, हाँ हाँ, इसकी तो बहुत आसानी से कटिंग लगती है। और इसको देखो आप, स्मेल करो इसको, और आप बताओ कि है क्या, थोड़ा सा इसको ऐसे करके रब करके, थोड़ा लग तो रहा है कोई पेपर जैसा लग रहा है ना। ये ऑल स्पाइस प्लांट है, ऑल स्पाइस प्लांट। हाँ, इसकी पत्तियों को आप सब्जियों में यूज कर सकते हैं, ये मैंने खरीदा था। मैं ज्यादातर प्रोपोगेट कर लेती हूँ, कटिंग वटिंग मारू इधर उधर से लेके, लेकिन दोस्तों से मांग के सब कुछ करके, लेकिन ये तो मैंने खरीदा था, ये मैं बुलंदशहर से एक नर्सरी से लाई थी। बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना? इसमें है? इसके पत्ते तेज पत्ते की तरह ही आप यूज कर सकते हो सब्जियों में, लग रहा है उसमें। हाँ, हर तरह के मसाले का सब, ये ऑल स्पाइस नाम ही है इसका, ऑल स्पाइस है क्या? और ये थोड़ा कॉस्टली भी देते हैं नर्सरी वाले, यहाँ तो 300-400 का देते हैं, लेकिन वहाँ मुझे मिल गया था 200 में। तो प्रोपगेट करो अच्छे से। हाँ, अब इस बरसातों में देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, पक्का। ये अजवाइन का प्लांट है, इसको भी पेट दर्द वगैरह में इसका रस बहुत यूज होता है, और इसको तो वेट लॉस के लिए भी खाते हैं। अच्छा। इसकी पत्तियों को आप चबाइए, डेली वेट लॉस होता है इससे। अच्छा। हाँ, सुबह खाली पेट, अच्छा खाली पेट वैसे एक दो पत्तियां चबा लो,
वैसे तो कहते हैं अमरूद के पत्ते भी चबा, ये तो जा रहा है। और इसमें देखिए चमत्कार देखिए, ऐसे जा नहीं रहा है मेरा। ये देखिए अभी भी फूल आ रहे हैं, आप बिलीव करोगे। ये देखिए कलियां भी आ रही हैं, फूल भी आ रहे हैं इस टाइम पे अप्रैल में। आपने इमेजिन कर सकते हो कि इसका राज बताइएगा ना। पता नहीं ये मतलब ये नई वैरायटी, मेरे पास ये सारी पहले से थी देसी, तो इनमें तो नहीं आते फ्लावर्स, ये तो सब अब हो गए खत्म। लेकिन इसमें आ रहा है, किस चीज का है ये भी, कुछ बड़ा कॉमन सा नाम इसका कुछ भी नहीं है। इसमें कांटे बहुत होते हैं दरअसल, और फूल इस तरह से खिलते हैं इसमें, ये येलो कलर के। इसका नाम भी ये जस्टिसिया की ही कोई वैरायटी है, जैसे वो ब्यूटीफुल प्लांट। आई हैवंट सीन दिस प्लांट। इसका भी बीज बनेगा तो मैं दे दूंगी आपको, इसका बीज। ये आपका, मैं आपको बताऊं, अगर नोड है तो कटिंग से लगेगा, लग जाएगा। हाँ आई होप ये लग जाएगा। हाँ तो ये भी तैयार कर दीजिएगा। हाँ पक्का पक्का। ये वाला प्लांट बहुत अच्छा लग रहा है, ये मधुमालती है अभी तो इसमें। हाँ ये झड़ गई थी सारी, इसमें क्या बोलते हैं इसको, रंगून क्रीपर। अच्छा रंगून क्रीपर, जिसमें झुमका की तरह बेल से फूल लटकते हैं। हाँ, राइट राइट, झुमका झुमका बेल। ये भी एक अलग सदाबहार है, ये डार्क कलर है, देखो ये और ये लाइट होता है दूसरा। ये कौन सा है? ये भी वही है लेकिन खराब हो रहा है अभी थोड़ा, इसका सीजन अब। हाँ ये लास्ट ईयर का प्लांट है ना, नया लगा देना चाहिए सदाबहार का प्लांट। ये कैना लिली, इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर्स, इसमें डार्क सुर्ख लाल आते हैं, इसमें ऑरेंज आते हैं और इसमें येलो आते हैं। ये वेरिगेटेड है कैना लिली का, इसके अच्छा पत्ते भी सुंदर लगते हैं और इसमें फूल भी, पत्ते भी देखने में अच्छे लगते हैं। ग्रीनरी काफी रहती है इसमें, बहुत खूबसूरत है। अच्छा यहाँ पर देखिए गेंदा अभी भी आपका चल रहा है। हाँ गेंदा अभी भी चल रहा है, ये जाफरी, ये देखो जाफरी चल रहा है। इसके बीज कलेक्ट कर रही हूँ और इसको कलेक्शन करके मैं बायो एंजाइम सोच रही हूँ बना लूँ। अच्छा, क्योंकि हम इकट्ठा करके मैंने रखा भी है। बस तो मैंने देखा था आपको बहुत ज्यादा बायो एंजाइम यूज करते हो। हाँ वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। और ये वाली मिर्च आपको पता है, ये गोल वाली मिर्च है, छोटे छोटे मिर्च। अच्छा। हाँ गोल ही रहती है इसकी मिर्च, और इसमें क्या, और बहुत तीखी। हाँ बहुत तीखी होती है ये। ये मुझे किसी ऐसे बंदे ने दिया था जो दार्जिलिंग के हैं वो लोग, तो उन्होंने बीज दिए थे मुझे, तो मैंने उससे लगाया था। ये देखिए ये लेमन ग्रास है ना, लेमन ग्रास। तो फिर आपका ऐसे क्यों हो रहा है ये? अभी मैंने इसको रिपोर्ट किया था तो ये शॉक में गया होगा मेरे, और अब ये नया पत्ता आ रहा है। फिर ये ना नीचे से मर ना जाए ऊपर वाला। नहीं नहीं नहीं, नए नए पत्ते आ गए हैं, अब ये काट दूंगी, अभी छटाई कर दूंगी इसकी। छटाई वाला तो बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का। हाँ ये देखिए एक अलग वैरायटी है, अलग वैरायटी। एक अभी पीच कलर की सूख गया, बंदर ने उखाड़ दिया था। ये तो मैं एक छोटे से टहनी काट ही रही हूँ, इसका तो मैं बीज भी दे दूंगी आपको, पौधा। हाँ ये मैंने काट भी लिया है छोटा सा, बहुत बड़ी चौड़ा भी है। तो ये भी बहुत सुंदर है। हाँ ये तो पर्सलेन है, अब खिलेगा, आप खिलेंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो मेरे पास नहीं है, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं। चलो बढ़िया। अच्छा मुझे तो लगा था कि आपके पास इतने ज्यादा प्लांट्स हैं कि ये आपने ऐसा प्रोपगेट किया क्या? हाँ वही है, पर्सलेन ही है। इसमें क्या क्या करके आता है, फ्लावर्स आते हैं? हाँ हाँ पूरा भरा रहता है ये फ्लावर्स से, इसमें ऑरेंज और येलो दोनों लगे हुए हैं। मुझे चाहिए। अरे आराम से ले जाना इसको, तो कहीं भी गाड़ दोगे तो लग जाएगा, ये तो जंगली पौधा है। हाँ हाँ बस तोड़ो, ये रेड वाला है, ये येलो वाला वैरायटी, दोनों ले रही है फिर। आधा आधा मैंने दोनों लगा रखा अभी एक में ही। ये मैंने इसलिए लगा दिया था कि अब इसमें से मुझे जहाँ भी लगाना होगा। हाँ। मैं क्या करती हूँ, ये जो खाली मिट्टी होती है ना, हाँ। इनमें भी डाल देती हूँ सब जगह, तो गर्मियों में मुझे फूल ही फूल दिखाई देते हैं। जैसा कोई आएगा उसको दे दिया और क्या। हाँ लीजिए, ये मैंने आपके इतने सारे दे दिए हैं। ये अडेनियम्स मैंने अब सीखे हैं थोड़े थोड़े, अब थोड़े थोड़े लगाना सीखा। ये छोटा सा इतना सा पौधा मंगाया था मैंने फ्लिपकार्ट से, इतना सा आया था एरेनियम मेरे पास। अब ये बड़े हो गए, अलग अलग कलर्स के हैं। वेरी गुड, एरेनियम है मेरे पास, आप आओगे मैं आपको एरेनियम दे दूंगी। वेरी गुड, पसंद है आपको? हाँ बहुत ज्यादा। ठीक है तो आप आओगे तो मैं भी दूंगी ना आपको बहुत सारे। इधर 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 दिखाते हैं, क्यारी भी है। दिखाओ दिखाओ, ये देखो लाल वाली भाजी, यहाँ पे मैंने बीज डाले थे। ठीक है, ऐसी क्यारी बना के छोड़ देते हैं लाल वाली भाजी। वेरी गुड वेरी गुड, इसके बीज डाले हैं मैंने अभी हुआ है। ये नीम लगा रखा है, ये सब लगा रखा है। यहाँ यहाँ आपको और दिखाती हूँ, ये मैं थर्माकोल के बॉक्सेस में, अभी मैंने इसमें हल्दी लगाई है। अच्छा, अभी आज ही मैंने सुबह इसमें हल्दी,
हल्दी इसमें अंदर लगाई है? नहीं नहीं, ये तो ये तो ककड़ी वगैरह हल्दी कच्ची लगाई होगी। हाँ कच्ची हल्दी बाजार से लेके, हाँ पौधे होंगे ऐसे ही होते हैं जैसे ये है ना कैना लिली का। अच्छा फिर इस तरह से इसमें पत्ते आते हैं, फिर एक साल के बाद उसमें बहुत अच्छी हल्दी की गांठें निकलती हैं। अच्छा हाँ, तो अब मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो इसमें से 5 किलो हल्दी तो आराम से निकलेगी। 5 किलो हल्दी, और वो भी घर की ऑर्गेनिक हल्दी। ऑर्गेनिक हल्दी, और हल्दी ही एक ऐसी चीज है जिसमें मिलावट माल पाई जाती है। हाँ, और वो भी घर कलर मिलाते हैं। तो एक बार बताइए किस तरह से आप वही जो गांठ मिलती है ना बाजार में कच्ची हल्दी मिलती है, तो वो इस टाइम पे थोड़ी सूखी और थोड़ी पक्की मिल रही होगी जिसमें थोड़े थोड़े स्प्राउट्स भी आ रहे होंगे। अब जैसे अदरक में कभी कभी रख देते हो तो स्प्राउट्स आ जाते हैं, वैसे ही हल्दी में भी आ जाते हैं। तो वो वाली हल्दी आप मिट्टी में दबा दीजिए, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपकी मिट्टी थोड़ी हल्की होनी चाहिए सो दैट की उसमें वो अच्छे से, हाँ उसमें वो अच्छे से उसकी गांठें बढ़ें। और इतने अच्छे फ्लावर की तरह इनका अरेंजमेंट होता है ना, गमले में करेंगे इतना बड़ा गमला होगा तो उसमें कितनी गांठें डालनी है? 4 गांठें डाल देना आप उसमें। हाँ ओके, 4 गांठें डाल दो, इसमें मैंने 8-10 डाली हैं। वेरी गुड वेरी गुड, दिस वाज अ न्यू टू मी, इनफैक्ट आई विल डेफिनेटली। और इसमें मैंने अदरक ट्राई किया है इस बार पहली बार, हल्दी तो मैं पहले भी लगाती थी, अदरक मैंने इस बार ट्राई किया है, इसलिए ये इसमें पत्ते निकलेंगे जब हरे हरे अदरक के, तो वो आप चाय में यूज कर सकते हो, जैसे लेमन ग्रास यूज करते हो वैसे अदरक के पत्ते यूज कर सकते हैं। ये मिंट है, आज ही मैंने इसको काटा, ये पूरा ग्रीन था, अब ये नए नए और निकल रहे हैं, इसको मैंने बड़े गमले में डाला। ड्रम स्टिक आजकल बड़ा इसको मोरिंगा मोदी जी बहुत प्रमोट करते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी एक पौधा ले आऊं। क्या यूज रहता है इसके drumstick? पत्ते इतने हेल्दी हैं, ये आपको डायबिटीज बहुत काम आते हैं इसमें, डायबिटीज से लेके बीपी से लेके थायराइड्स हर चीज में इसका। नाम क्या है इसका? ड्रम स्टिक बोलते हैं वैसे कॉमन लैंग्वेज में, मोरिंगा भी बोलते हैं इसको। तो ये तो अपने आप निकल आया है, कुछ है तो कुल्फा ही बोलते हैं, ये भी पर्सलिन की ही वेराइटी है, इसका तो साग भी बनता है। क्या हाँ बीपी भी काफी कंट्रोल अच्छा, करता है। और ये बीज से उगे हुए मेरे संतरे के, अच्छा ये संतरे के बीज इसका मैं मैं ट्राई करती रहती हूँ। वैसे फ्रूट्स के प्लांट मैंने एक भी खरीदे नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी चीकू है, अमरूद है, संतरा है, अपने आप निकला है, ये अनार भी अपने आप ही बीज से बना था, देखो कितने फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें अभी। प्लांट है और देखो ये अनार लग भी रहे हैं आपके। नहीं अभी लगे तो नहीं है, ये कलियां हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो फूल खिलेगा अभी। अच्छा अभी फूल खिलेगा, ये देखो ना ये फूल खिल रहा है। अच्छा और इसमें अनार लगते हैं, लेकिन अभी नहीं लगेगा क्योंकि अभी पौधा छोटा है, अभी पौधा छोटा है, अभी इसमें अनार नहीं लगेगा। ये काफी बड़ा हो गया करी, और ये बुशी भी बहुत है, ये अभी झड़ गई थी ना पतझड़ में पत्तियां। क्या करते हो, हर साल करते हो रिपोर्टिंग या नहीं? हाँ हर साल तो नहीं करना पड़ता क्योंकि गमला बड़ा है। हाँ, हाँ। 2 साल में एक बार भी करने से चलता है। छोटा गमला होगा तो आपको हर साल करना पड़ता है। देखिए मिर्च तो मेरे हर गमले में एडिशनल लगा हुआ है। क्या बात है। और अभी मैं दिखाऊंगी बहुत छोटे से पौधे में मिर्च आई हुई है। हाँ, ये भी ये व्हाइट वाला, ये पिंक वाला है हिबिस्कस है, और ये सारे हिबिस्कस है। हाँ ये देखिए मैंने ये जो एयर लेयरिंग से बनाते हैं ना पौधा, इतना बड़ा पौधा मैंने तैयार किया है इसमें से एयर लेयरिंग करके, ये डायरेक्ट मुझे इतना बड़ा प्लांट मिला है। हाँ ये मैंने बारिश में किया था, ये जो ऐसे काट कर और फिर हाँ जो मट्टी लगा के और वो बांधा जाता है, बांधा जाता है, उससे मैंने 3 प्लांट बनाए हैं। So इसमें से ये प्लांट बना है। हाँ? और इसमें से ये प्लांट बना है। वाओ। और एक मैंने गिफ्ट कर दिया किसी को। क्या बात है। और ये नींबू, ये मेरे कागजी नींबू है। ये क्या नींबू, कागजी नींबू, नींबू तो आ रहे हैं, आ रहे हैं। और ये प्लांट आप देखोगे ये ब्रह्मी का पौधा है। इसका ब्रह्मी, अच्छा आपने सुना होगा इतना बालों के लिए ब्रह्मी का तेल। अच्छा हाँ हाँ ब्रह्मी, ब्रह्मी का रस। ये वो पौधा है। हाँ। क्या यूज करते हैं इसका? इसके पत्ते हम वैसे तो मेथी के साथ बनाते हैं, आलू मेथी जैसे बनती है ना, हल्का कड़वा होता है ये भी। अच्छा अच्छा। तो आलू मेथी जैसे बनती है वैसे ही थोड़ा सा टैंगी से फ्लेवर होता है इसका, तो आलू के साथ बना लेते हैं वैसे। और इसका रस मैं यूज करती हूँ अपने बालों के लिए पैक। अच्छा हाँ, ये खीरा अपने आप निकला है बेटा, इसको तो मैंने लगाया नहीं है। ये चीकू भी अपने आप निकला है। ये चीकू है? हाँ ये चीकू है। कॉम्पोस्ट में से आ जाते हैं ना बीज, बीज आ जाते हैं बिल्कुल सही। टमाटर भी आपके हमेशा आ ही जाते हैं। हाँ किचन कंपोस्ट बनाते हैं। तो ये मैंने अरवी के पत्ते, अरवी गाड़ा था तो अरवी के पत्ते आ रहे हैं। अच्छा, हम अरवी के पत्तों का बनाते हैं सब्जी, तो वो काम आते हैं। हाँ बहुत टेस्टी बनती है। और ये स्वीट पोटैटो वाइन है, ये अभी लगाई है, ये तो मैंने नई खरीदी है अभी। ये वाला पौधा, ये देखिए इसमें बहुत सारी कलियां आई हुई थी, ये बहुत सारे कलियां भी आ गई थी सारे ब्रांचेस में, लेकिन तो एक दिन बंदर आया, चंपा है, एक दिन बंदर आया, इसने पेड़ गिराया और ये सारे ब्रांचेस टूट गए मेरे।
देखो चंपा हो, चाहे चंपा हो या ये वाला पौधा हो, हम तो ये खरीदते नहीं है, हम तो रोड साइड से लेते हैं। हाँ ये तो रोड साइड से लिया हुआ है, ब्यूटीफुल है आपका ये तो रोड साइड से लिया हुआ है। और वो परवल का निकला है, परवल भी बीच से निकला है। हाँ ये पोई का साग है ना, इसको बोलते हैं मालाबार स्पिनच। खून बनाने की फैक्ट्री होती है ये, खून बनाने की फैक्ट्री, इतना ज्यादा इसमें आयरन होता है। और इसके जो बीज बन रहे हैं ना, हाँ बंगाली लोग तो इसको बहुत खाते हैं, असम में भी खाते हैं शायद। राइट राइट हाँ। इसकी बीजों की सब्जी बनाते हैं लोग इसको। आप ये पक जाएगा ना, ये देखो, ये देखो, आप देखो, ये खून बनाने की फैक्ट्री है ये, इसको जरूर अपने पास लगाना चाहिए। और ये सिर्फ कटिंग से लग जाता है, जो बाजार में भाजी मिलती है ना उसी की कटिंग मैंने लगा दी थी। ओके, उसी से होगा। और उसी में गिलोय भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है इसमें। क्या बात है, वेरी गुड। और ये देखिए, ये स्वीट पोटैटो मैंने गाड़ा था और इसमें प्लांट भी बन गया, और इसमें मुझे नीचे इस बार स्वीट पोटैटो भी मिले थे। क्या बात है, हाँ हाँ, शकरकंदी मेरे तो बहुत फेवरेट है भाई, शकरकंदी बहुत फेवरेट है मेरी भी। हाँ इसकी कटिंग लगा देने से लग जाता है बढ़िया। इसका कटिंग लगाने से हो जाता है। अच्छा अच्छा, ये इसको तोड़ के लगा दो बस। हाँ, लग जाएगा, बहुत आसानी से लग जाता है ये। क्या बात है, पीपल लगाया मैंने, मुझे लगता है एयर प्यूरिफायर होने चाहिए आपके पास। तो पीपल के ना आपने बड़ा लगाया है ना, एक मैंने छोटा भी लगाया है। इसको तो मैं थोड़ा सा ऐसे छोटा सा ट्री बना रही हूँ अभी, फिर थोड़ा मोटा हो जाएगा तो कौन सा। और इसमें देखिए मिर्चें निकली हुई है, मिर्चें वेरी गुड। ये देखिए हाँ, मेरा कलेक्शन। ये क्या चीज है, ये मेरे लिए मतलब टॉनिक है, ये मेरे पौधों के लिए। हाँ? जैसे हम अपने लिए एक्सटर्नल मल्टीविटामिन्स खाते हैं ना, अपने शरीर के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। हाँ? इससे बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स को मिलते हैं, और रिपेलेंट वो भी होते हैं, ये इंसेक्ट रिपेलेंट भी होते हैं। ये देखो ऐसे बीज से आवाज आई ना, ये जब बनता है बायोजेन तो इसमें से गैसेस निकलती हैं। ये सिट्रस का है, सिट्रस के छिलके होते हैं, संतरे के और नींबू के छिलके। तो उसको मैं 3 महीने के लिए गुड़ और पानी के साथ मिला के, एक रेशियो होता है 10:1:3 का रेशियो। तो ये बना के मैंने रखे हुए हैं। और मेरा जितने भी ग्रीनरी है आपको दिख रही है, एक बार ग्रीनरी दिखा दो, ये जितनी भी आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही है इन्हीं चीजों की वजह से है। मैं कुछ भी बाहर से NPK DAP यूरिया कुछ यूज नहीं करती हूँ। मैंने आज तक अपने गार्डन में सिर्फ किचन कंपोस्ट डाला है, या ज्यादा से ज्यादा गोबर की खाद में बाहर से मंगा तो लेती हूँ। कितने दिन में यूज कर लेते हो ये? मैं हर 15 दिन पर पानी में मिक्स करके, जैसे 10 लीटर पानी में आप 100 ml डाल दीजिए। अच्छा, 100 ml 15 दिन में आप? हाँ हाँ, सारे प्लांट्स में दे देती हूँ। उससे होता ये है कि ना मेरे पौधों में इंसेक्ट्स लगते हैं, ना इनमें चींटियाँ आती हैं, और ग्रोथ भी अच्छी होती है, और कलर भी बड़ा अच्छा रहता है। देखिए बनाना पील का, केले के छिलके का। अब ये कितने टाइम में बन जाएगा? ये अभी ताजा बन रहा है, ये अभी मेरे को हुआ है 15 दिन बस। ओके, तो ये 3 महीने में तैयार होता है। 3 महीने में? हाँ। और इसमें है प्याज का है, और एक और मैं दिखाती हूँ आपको, ये पहचानिए आप, ये गिलोय के स्टेम है, वो भी मैंने काट के इसमें डाल रखे हैं। गिलोय जब हमारे लिए इतनी फायदेमंद होती है, तो मुझे लगा कि मेरे प्लांट्स के लिए भी बहुत अच्छा फायदेमंद होता है, तो इंसेक्ट्स से बचते हैं हमारे प्लांट्स। और ये देखिए मेरा ये रेडी टू यूज रहता है, ये मट्ठे का जो कॉपर के बॉटल में, कॉपर के बर्तन में हम इसको रखते हैं 1 हफ्ते के लिए। अच्छा। तो ये बहुत अच्छा केमिकल तैयार हो जाता है, जो हमारे कर्ल लीफ की प्रॉब्लम होती है ना प्लांट्स में, उसको बचाता है ये। Okay. तो इसको पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कर दीजिए, कर्ल लीफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। मिर्च में, टमाटर में आपने देखा होगा अक्सर कर्ल लीफ की प्रॉब्लम होती है। ये प्याज का क्या खास बेनिफिट होता है, प्याज के छिलकों का? हाँ हाँ, ये भी तो इंसेक्ट रिपेलेंट और पोटेशियम वगैरह जो जो प्याज के छिलके से जो पानी आपको मिलता है, वो इसमें तो स्ट्रॉन्ग बन गया ना वो केमिकल, वो स्ट्रॉन्ग बन गया। राइट। तो अभी क्या हुआ, इसको आप एक ढक्कन डालोगे एक मग में, नहीं नहीं एक ढक्कन तो एक मग में, एक पौधे के लिए। ओके। हाँ, एक पौधे के लिए एक ढक्कन सफिशियंट है। तो इस तरह से हम रेशियो अपना अंदाजे से देते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे आप DAP वगैरह अगर ज्यादा डाल दोगे तो आपके प्लांट्स जल जाएंगे, NPK ज्यादा हो गया, तो उस खतरे से मैं बस मतलब टेंशन ही नहीं लेती मैं केमिकल्स का। तो मैं यही सब डालती रहती हूँ। इससे क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा भी डल गया तो नुकसान नहीं करता है। वेरी गुड। तो आप आए और आपका गार्डन तो इतना सुंदर है, इतना आर्टिस्टिक है, तो मेरा तो बड़ा सिंपल सा और कुछ खास ऐसा दिखा। क्या दिखा आपको खास, क्या लगा आपको, कुछ लगा कि देखो मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, हमारा बिल्कुल आर्टिस्टिक है, बट हमारे जो प्लांट्स है वो कॉमन प्लांट्स है,
सीरियसली आपको बता रही, काफी सारे कॉमन प्लांट है, कोई कोई हमारे और हमारे बहुत ऑर्नामेंटल प्लांट है, बट आपका जो लगा मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी इसमें कई चीजें वैसी बनानी है, जैसे कुछ आपने हल्दी उगा रखी है आपके, एक कौन सा वाला है जिसे ब्लड वाले निकलते हैं, मालाबार स्पिनच, और आपके बहुत अच्छे अच्छे ब्राह्मी का पौधा। अच्छा, ये ऑल स्पाइसेस प्लांट, आई रियली लाइक इट। तो बॉस, और ये वाला जो एक रेड वाले पिंक वाले जो फ्लावर आ रहे हैं, हालांकि ये कॉमन है बट आपका ये चीज, और इतने सारे ये जो आपने बना रखे हैं ना, ये क्या कहते हैं इसको, बायो एंजाइम, जिसकी वजह से ये पौधे इतने ग्रीन नजर आ रहे हैं, तो आपका क्वालिटी अलग है आपका। देखिए, कुछ जरूरी नहीं होता ऑर्नामेंटल सबका, और हमारा जाने का पर्पस भी यही है कि किसके पास क्या स्पेशल चीज है। तो देखिए, जब हमने ले लिए लोग अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्लांट्स लगाते हैं, इसके हिसाब से। हाँ, हर्ब्स कलेक्शन वगैरह का रहता है हर्ब्स का। हाँ, कुछ यूनिक वैरायटीज हो मेरे पास, कुछ ऐसा हो जो लोगों को लगे आश्चर्यजनक। अच्छा, ये भी है तो आश्चर्यजनक लगा है मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका, सच में आई रियली लव इट। आई लव यू। या थैंक यू, आई लव यू। या आप खुद बहुत अच्छे हो इसलिए आप दूसरों को भी अच्छा कहते हो। सच में थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई गार्डन एंड कवरिंग इट। और अभी आप भी मेरे पास बहुत जल्दी आने वाली हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मुझे तो आपका गार्डन देखना ही है। वीडियोस में तो मैं देखती रहती हूँ हमेशा, ऐसा लगता नहीं है कि नहीं देखा है। राइट, लेकिन राइट, सामने से देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे और एकदम एंजॉय करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आइए, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? नीलम मैम, प्लीज। मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा, गुड। गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल हैं। वाओ, कौन से गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल? एमसीटी दिल्ली। एमसीटी दिल्ली कहां, कौन सी जगह पे? साउथ दिल्ली में गदाईपुर क्षेत्र। हां हां, वहीं पे प्रिंसिपल। क्या बात है, क्या बात है। तो ये बांसुरी बजाते हो क्या? जी, इनका स्पेशल शौक है। अच्छा, बजाते भी हैं, बनाते भी हैं। बनाते भी हो? अपने हाथ से एक-एक बांसुरी। आप बैठो ना, फिर आप हमें बजा कर दिखा सकते हो क्या? शौर, आप बैठे। आपके हस्बैंड तो वर्सेटाइल है यार, बहुत क्वालिटी है। जी जी, शुक्रिया। हमारे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, हम प्लांट लवर्स प्लांट ही दे सकते हो, और कुछ नहीं दे सकते। और इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है एक्चुअली। और सबसे ज्यादा खुशी होती भी है। और आजकल तो मैं जाती हूँ कहीं पे, किसी के हाउस वार्मिंग में जाती हूँ, किसी के घर कोई फंक्शन होता है तो मैं प्लांट से लेके जाती हूँ। वेरी गुड। तो आज हमने आपको किरण जी से मुलाकात करवाई, और ये प्लांट लवर, और इनके इतने सारे प्लांट्स है, और वेराइटी ऑफ प्लांट्स इनके पास बहुत ज्यादा है जो की नॉर्मली बहुत कम मिलती है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किरण जी का अपना चैनल भी है, किरण की बागवानी, किरण की बागवानी। तो उसको भी जाके देखें, वहाँ पर जाकर भी आप उन्हें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे आने वाली वीडियो के साथ आप जुड़े रहें। ऐसे ही हम प्लांट लवर्स के पास जाएंगे, चाहे वो छोटा गार्डन हो या बड़ा गार्डन हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच।